बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री बनने वाले, मुख्यमंत्री बनने वाले, मुखिया जी बनने वाले, सरपंच साहब बनने वाले, वार्ड सदस्य बनने वाले भी लोग संत के चरण में ही आकर माथा टेकते हैं। तो मंदिर बना है, लोग उस मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, लेकिन जिस मंदिर में ये आत्मा राम रहते हैं इसमें शराब चढ़ाते हैं। ईटा सीमेंट गिट्टी बालू छड़ की बना हुआ मंदिर है, शिवलिंग है, उसके ऊपर जाल। जिस मंदिर को परमात्मा को बनाने में 9 महीना समय लगा है इसमें दारू चढ़ाते हैं। उस मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, अपने मंदिर में बीड़ी सिगरेट का धुआं देते हैं, गांजा पी करके पेट में केला पकाते हैं। उस मंदिर में लड्डू और मिठाई चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में मुर्गी का अंडा चढ़ाते हैं। सास ककरा के छे जब पुत हो के संगस ने लिए दे छे बढ़िया सोखरे सास के यखटा सास ने पुत हो के पड़वन ले ले छे बाप बिहा कर लको हमरा के मोटर साइकिल लको मोटर साइकिल बोलो आप पड़वन लेते कि नहीं लेते। सास का ये धर्म नहीं है, सास का धर्म है पतिहु को बेटी समझे, प्यार से बोलना चाहिए। कनियन बढ़िया तरकारी बनवो, कनियन बढ़िया दाली नीमक दो, कनियन बच्चा नहीं है छो, नया नहीं है छो, कहिया सीखो 80 टका किलो परवल झड़का धड़ी धड़ी दलो खबैया की कहता। नहीं सफरे रहूं हमरा बोला लेती हम बता देती हम केना जरी। ये धर्म है, ये बोली है सास। यखटा सास ने बेटा पानी चढ़ा दे जे रे कर ले छो खइए मन दही लाठी हमरो गले जो ऊंचो तो जय सास ने बेटा लगाए पति हु के मार खिलवेते मारे के ना पुतहु लोटा पानी लगने जेते मरला पर भल्लो सबके देखा के पानी मुंह में देते जिंदा में देते यही बुढ़िया हमरा मार खिल बिन जी पीठी घाटी आ भी तक दर्द करी एकरा हम पानी द पानी जल्दी मरी जाई कच कच हो विचार। सास को चाहिए पति को बेटी से प्यार से बोलना चाहिए। ये तो सास का धर्म है, पतेहू का धर्म क्या है कि इतना समय पर जगे कि जल्दी से बोढ़नी पकड़ लें, कहीं सास बोढ़नी नहीं पकड़ ले। यखै का पतहु केवाड़ी भीत रहे के बजे मइयो एकनो बोढ़ते तब घरो से निकल हो। सास को चाहिए पतेहु को बेटी समझे, पतेहु को चाहिए अपने से अंगना बोढ़े। सास तू बात कहल के हम सही जबे सहे मतलब ये नहीं कि खाली जितिया पर्व में सहबो, कृष्ण जन्माष्टमी में सहबो, दुर्गा माय के सांई दल जेबे तब सहबो, भोला बाबा के सांई दल जेबे तब सहबो, सैथन सैथन पंजराठी हड्डी बैठाए दो। सहेग मतलब जब सास के बोली सहन कल के, पति के बोली सहन कल के, माथा में तेल ने जे पानी से माथो पोछी लेल के, रिबन ने जे साड़ी पार चिरी माथो बनि लेल के, दाल तरकारी नहीं बचले निमक रोटी खाइल ते उलहनो ने देती ओकरा के जे सहबो। सहन सीता जिसके अंदर वे ही असली सीता है, काम बुरा होने पर जग में मन ही मन शर्माता है। पतेहु का धर्म है, माय तो बात कह के तुम सही कत जितिया में नहीं सह पार से पूछे जाए छे दीदी के बजे पार न होते सहला दे हम पेट हम दर्द उठी ल दीदी एकटा खीरा रखने लियो आधा टम उसमा खा गया आधे टा बचलो
विचार जीवन में चाहिए पतिहू का धर्म है सहन कर, सास का धर्म है पतिहू को बेटी समझना, पति का धर्म है पत्नी के साथ भी अच्छा व्यवहार करना, पति का धर्म है पत्नी को गाली गलौज नहीं करना, पति का धर्म है प्यार से बोलना चाहिए पत्नी से, देवी जी भोजन में की देरी छे, देवी जी देवी कहीं म्याज गदगदा आ जाए। पत्नी तीन अंग नाम कही जैसे दीदी हमरा देवी कहे छे, हमरा देवी कहे छे, इने के पासबुक में लिख ले रही जाए बोलबो कहिया। ये तो पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है कि भोजन बन जाए प्यार से बोलना चाहिए, चलते ना भोजन चलते तो रोटी ठंडा है, चलते ना भोजन चलते, पति के दिन नहीं खेबे ना, पत्नी के दिन नहीं खेती तो हम नहीं खे करे लाग भुजिया कि हम आप नहीं बनी नहीं छी कि नहीं खाओ हम मुंह नहीं है खई भी नहीं कर पर हम त्याग गीत भी खेबे। जहनो बोली बोलते पति के ते चलो तो दूटा रोटी खाए ले आखा टाक बोल होल ले आब जे है बैठले रे खान बैठलो रहिया पति के ते जा नहीं नहीं ले झगड़ा कर दे। जीवन में चाहिए लोगों ये शरीर ही राम मंदिर है, वचन कर्म मन मोड़ी गति भजनु कर ही निष्काम, तिन्ही के हृदय कमल महु सदा करहु विश्राम। हनुमान जी छाती फाड़ करके विभीषण को दिखलाया मेरे हृदय में राम और सीता है, इसका मतलब है परमात्मा मनुष्य के हृदय में अस्त्र हो हृदय अक्षत विकारी सकल जीव सब तीन दुखारी। बढ़िया भजन बढ़िया भजन मोह से बढ़िया वचन निकालिए, जो बोलने के लिए जानते हैं यही बोली अमृत का काम करता है, जो बोलने के लिए नहीं जानते हैं यही बोली जहर का काम करता है। आज बोली के चलते बहुत घर में प्रेम नहीं है, मकई जितना हो जाए, गेहूं जितना हो जाए, मकान जितना कोठली हो जाए, परिवार में नौकरी जितना हो जाए, लेकिन प्रेम कहाँ है? कहीं सास पतोह में झगड़ा, कहीं पिता पुत्र में, ननद भौजा में, गोतनी में, गोतियारी में, जतियारी में, यड़ियारी में, बड़ियारी में, भैयारी में, भोला बाबा कह रहे हैं देवी संत के शरण में ही कुछ मिलेगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन चार पुत्र होगा, इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा और उसका आचार्य है श्रृंगी ऋषि। राजा दशरथ जी श्रृंगी ऋषि को बुला कर लाए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए, होम कुंड से अग्नि देव प्रगट हुए, खीर लेकर दशरथ जी के हाथ में दिया, दशरथ जी खीर तीनों रानी को दिया, समय काल से चार पुत्र। भगवान को भी इस धरती पर अवतार देने का क्षमता है तो संत में, संत के शरीर में एक नंगूठी है और कुछ नहीं है, फिर भी बड़े बड़े लोग संत के चरण में माथा टेकते हैं। आज जो मंदिर बना है लोग उस मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं,
लेकिन जिस मंदिर में ये आत्मा